नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के स्कोप्स के बारे में, यानी कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन से रोज़गार मिलते हैं, यानी कि कौन कौन सी वैकेंसी जाती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, कौन कौन से एग्रीकल्चर के क्षेत्र होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलती है उनके बारे में। देखिए, एक तो राजकीय स्तर के अंदर वैकेंसीज है, बैंकिंग में कौन कौन सी वैकेंसी होती है, निजी क्षेत्र की कौन कौन सी वैकेंसी होती है, और जो निगम क्षेत्र की यानी कि लिमिटेड की कौन कौन सी वैकेंसीज होती है, और स्वरोजगार यानी कि खुद का बिजनेस कौन कौन से एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पहले अपन बात कर लेते हैं कृषि क्षेत्र में सरकारी पद के बारे में बात करेंगे। कृषि अधिकारी की भर्ती होगी, यहाँ पे अपन बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी है, वो अभी कंप्लीट हो चुकी है, ये 12th एग्रीकल्चर बेस पे होती है। लगभग जितनी भी वैकेंसी है वो BSc एग्रीकल्चर पे होती है। अब बात करेंगे यहाँ पे W की वैकेंसी है, वो अभी आ चुकी है। अब बात करेंगे स्टार्ट से लेकर कृषि अधिकारी, उद्यान अधिकारी, बीज अधिकारी, कृषि प्राध्यापक, इसके बारे में मैंने आपको अपडेट दी थी टेलीग्राम में, उसका भी नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट आ चुकी है। और ग्राम स्तर पर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, सहायक कृषि अधिकारी W की वैकेंसी RPSC बोर्ड ने निकाल चुका है। अभी प्रक्षेत्र अधिकारी, फार्म मैनेजमेंट यानी फार्म प्रबंधक और तकनीकी सहायक यानी कि TA, किसान कॉल सेंटर प्रसार अधिकारी, कृषि विपणन अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, जिला स्तर पर निदेशक व उपनिदेशक। तो यहाँ पे इस तरह से सरकारी पद होते हैं, कृषि क्षेत्र में सरकारी पद इसी हिसाब से होते हैं, बैंकिंग क्षेत्र के अलग होंगे। अपन बात करते हैं अब बैंकिंग और राजकीय स्तर पे। देखिए, पहले तो कृषि विभाग में कौन कौन से डिपार्टमेंट के हिसाब से नौकरियाँ आती है, तो राजकीय क्षेत्र जैसे कृषि विभाग में कृषि विभाग हो ही गया, वन विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विज्ञान यानी KVK और कृषि अनुसंधान, इन सभी क्षेत्रों के अंदर यानी कि इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकलती है। अब देखिए, बैंकिंग के अंदर सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नाबार्ड बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, निजी बैंक और क्रेडिट सोसाइटी, इन सभी बैंक के अंदर एग्रीकल्चर की अलग से पोस्टें निकलती है। अब निजी बात करेंगे, यहाँ पे देखिए जो प्राइवेट कंपनियाँ होती है उनके यानी फर्टिलाइज़र कंपनी, बीज कंपनी, कृषि उपकरण कंपनी, पेस्टिसाइड कंपनी, जैव उत्पाद कंपनी और गैर सरकारी संगठन, तो इस हिसाब से आप प्राइवेट कंपनियाँ देख सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे लिमिटेड, चाय निगम, कपास निगम, कॉफ़ी निगम, फूड कॉरपोरेशन निगम, सेंट्रल वेयर हाउस, स्टेट वेयर हाउस, आत्मा, NSE, सभी ये निगम क्षेत्र के अकॉर्डिंग आते हैं। अब बात करेंगे स्वरोजगार यानी कि खुद के बिजनेस के आधार पे कौन कौन से अपन एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्षेत्र में कर सकते हैं, तो स्वरोजगार के अंदर आता है पशुपालन व डेयरी, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, रेशम कीट पालन, उद्यानिकी, वर्मी कंपोस्ट, पोली हाउस, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, इस हिसाब से होता है। देखिए, खुद के बिजनेस के आधार पर यहाँ पर खाद बीज की दुकान भी आप खोल सकते हैं, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस यानी कि AC & ABC के अकॉर्डिंग आप सभी लोन के माध्यम से अपना खुद का बिजनेस भी ऑन कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर भी वैकेंसी आती है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसमें योजनाएं होती है, वो कौन कौन सी होती है, योजनाएं होती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जल संग्रहण योजना और मनरेगा योजना। देखिए, इसमें देखिए जो डिग्गी की होती है, अपन डिग्गी बनवाते हैं, उन डिग्गी के अंदर पहले तो 62% सब्सिडी थी, अब का पता नहीं क्या होता है। और यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अकॉर्डिंग जो नाबार्ड बैंक है या अदर बैंकों से हमें लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलता है। तो इस हिसाब से अपन एग्रीकल्चर के अंदर स्कोप्स के बारे में डिस्कस किया है, तो एग्रीकल्चर की वैकेंसी ये हैं। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।